बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई ने दबिश दी। सीबीआई की तीन गाड़ियां सुबह सुबह ही राबड़ी के घर छापेमारी के लिए पहुंची। दरअसल सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के घर छापा मारा है। सीबीआई राबड़ी से मामले से जुड़े सवाल कर रही है। जमीन के बदले नौकरी देने के इस मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की है, तो घर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस छापेमारी को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। हर महीने हर दो महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि भाई हर महीने आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं आने का, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने सीबीआई की छापेमारी को सही ठहराया। जिस रूप में रहेंगे उन पर तो जांच, आज राबड़ी आवास पहले से नहीं तो कब से चल रहा है। शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जी के कंप्लेन के आधार पर कई केसेज चल रहे हैं और ये तो केसेज कांग्रेस के समय से चलने वाले केसेज भी हैं। तो सीबीआई से नाता लालू परिवार का पुराना रहा है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी आज कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं। अब परिवार उस कसिंदे पे कसने को तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। बता दें सीबीआई की ये कार्रवाई जमीन के बदले नौकरी के मामले से जुड़ी हुई है। आरोप है कि 2004 से 2009 की अवधि के दौरान लालू यादव ने रेलवे के विभिन्न जोन से ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के बदले कैंडिडेट से जमीन ली थी। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर ये जमीन ली थी और आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।